हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रसमलाई। मेरी रसमलाई की रेसिपी एकदम परफेक्ट रेसिपी। ये रेसिपी फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी भी, आपकी रसमलाई भी ऐसी ही परफेक्ट बनेगी, रसभरी बनेगी। देखिए, मैंने उसको प्रेस करके दिखाया है, उसमें से सारा रस बाहर आ रहा है। मतलब रेसिपी एकदम परफेक्ट बनी है। और अगर आप काट के भी देखोगे तो भी देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है। इसके लिए आपके घर पर कोई भी दूध आता है पैकेट वाला, वो दूध चलेगा। बस उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूध को बॉईल करना है। अभी इसका छेना बनाने के लिए इसमें मैंने, आप नींबू का रस डाल सकते हैं या साइट्रिक एसिड या फिर विनेगर डाल सकते हो, लेकिन उसको डाइल्यूट करना है। मतलब नींबू का रस लो तो आधी कटोरी पानी में उसमें डाल देना है। जैसे 2 चम्मच नींबू का रस, उसमें आधी कटोरी पानी डालना है। इस तरह से चम्मच में लेके उसको गोल गोल घुमाते हुए दूध को धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। जब टोटली हमारा छेना अलग हो जाए तब हमें ये डालना बंद करना है। देखो, मेरा छेना अलग हो गया है। देखो, पानी का कलर बदल गया है, छेना एकदम मस्त तैयार हो गया है। तो अभी ये छेना हम लोग छान लेंगे। छेना इसी तरह से तैयार होना चाहिए तो आपकी रसमलाई परफेक्ट होगी। इसके लिए मैंने, देखो, एक छलनी ली है, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला है और उसके ऊपर सारा छेना डाल देंगे। और अभी छेना की जो कुकिंग है वो यहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए फर्दर कुकिंग। और उसका जो खट्टापन है, जो हमने साइट्रिक एसिड या नींबू का रस डाल के जो आया है, वो निकलने के लिए इसके ऊपर एकदम चिल्ड वाटर डालना है। देखो इस तरह से, तो इसकी कुकिंग भी बंद हो जाती है और छेना की जो खटास है वो भी निकल जाती है। अब इसको बांध के रखना है मुझे। आप बांध के छलनी पे भी रख सकते हो या कहीं टांग दो 1 घंटे के लिए, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा और आपका परफेक्ट छेना तैयार होगा। छलनी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से बांध के रखोगे ना तो 1 घंटे में एकदम परफेक्ट छेना तैयार होता है। छेना तैयार हो रहा है, तब तक रस बना लेंगे। रस बनाने के लिए मैंने 0.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसको 10% रिड्यूस करना है, क्योंकि हम शक्कर डालेंगे उसका पानी होता है। इसके लिए इसको 10% रिड्यूस करना है। वैसे भी रसमलाई का जो रस होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। इसमें थोड़े से मैंने केशर के धागे डाल दिए, इससे रंग भी आएगा और स्वाद भी आएगा। और लेकिन उससे रंग बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो आपको अगर थोड़ा डार्क रंग पसंद है तो आप उसमें कलर भी डाल सकते हो। और केशर नहीं है तो आप कलर डाल सकते हो, या केशर और कलर दोनों भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अभी इसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर डाली है 0.5 लीटर दूध के लिए। आप ज़्यादा मीठा चाहते हो तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हो, आधी कटोरी शक्कर डाल सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा रिड्यूस होने देते हैं और तब तक देखिए अपना छेना तैयार है। छेना जब तैयार होता है तो उसमें एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकदम गीला होना चाहिए। सूखा होगा तो रसमलाई कड़क बन जाएगी, और गीला हो जाएगा तो जैसे ही आप बॉईल करोगे वो फूट जाएगी। तो इस तरह से होना चाहिए, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, न तो बहुत सूखा न तो बहुत। देखो इस तरह से वो चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें फैट्स की मात्रा होती है। तो इसको 5 मिनट तक हम लोग इस तरह से मस्त मिक्स कर लेंगे। उसे क्या हो जाते हैं, ये एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिक्स कर देते हैं। अगर आपका गलती से थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया ना, तो उसमें से 1 या 2 ड्रॉप बस पानी डाल के मिक्स करो। और बहुत ज़्यादा वो आपको लगता है बहुत पानी रह गया उसमें, तो थोड़ा सा टिश्यू पेपर से दबा के उसमें से पानी निकाल दो। लेकिन हो सके तो पहले ही एकदम परफेक्ट करो। अभी देखो इसको इस तरह से हमने उसके पीसेस कर लिया। अभी सबसे पहले रखना है मुझे चाशनी करने के लिए। चाशनी यानी हमें खाली 1 कटोरी मैंने लिया है शुगर और 4 कटोरी डाल दिया पानी। इस तरह से छेना के बॉल बनाने हैं और वो हमारी चाशनी में डालना है। चाशनी मतलब एक बार बस बॉईल आ जाए, लेकिन ध्यान में रखना है कि गैस की बॉल फुल होनी चाहिए, ताकि हमारे सब छेना बॉल जो है चाशनी से एकदम कवर किए रहेंगे और उसके ऊपर बबल आते रहेंगे। तो क्या होते हैं, छेना बॉल्स अच्छे से पकाएंगे। अभी देखिए मेरे छेना बॉल्स इतने, और पकने के बाद देखिए वो नियरली हमारे दुगुना से भी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और छेना बॉल को अच्छे से पकने दिया है। यहाँ भी ध्यान में रखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें थिंग होती है कि आपको इसमें जरा भी गैस की पावर कम नहीं होने देनी चाहिए, और सारे बॉल जो है ना वो कवर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कम है तो आप थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर करके उसमें डाल सकते हो। जैसे थोड़ी थोड़ी अपनी चाशनी जो गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाल सकते हैं, लेकिन पानी का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। छेना बॉल देखिए मेरे मस्त फुल के आए, जबकि 7-8 ही मिनट हुए हैं। हम टोटली 8 से 9 या 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जबकि ये एकदम मस्त फुल के नहीं। अभी मेरे पहले वाले छेना बॉल और अभी के छेना बॉल देखिए कितना ज़्यादा फर्क है।
और आप बाजू से देखिए थोड़े से उसमें हमें रेशे दिख रहे हैं या फिर स्पॉन्ज दिख रहा है, उसका मतलब है हमारे छेना बॉल्स एकदम मस्त बन गए हैं। तो जब छेना बॉल्स अपने तैयार हो जाते हैं तो गैस बंद कर दिए, 2 मिनट उसमें ही रखिएगा और देखिए इसमें पानी में डाल के दिए, पानी ये नीचे गया उसका मतलब क्या हुआ, छेना बॉल्स अच्छे से पक गए हैं। तो 1-2 मिनट के बाद सारे छेना बॉल्स निकाल के मैं एकदम ठंडे पानी में डालना है, तो इसकी भी फर्दर कुकिंग रुक जाती है और हमारे छेना बॉल जो है ना वो एकदम स्पॉन्जी ही रहेंगे। देखो इसमें दिख रहा है उसमें कितना अच्छा स्पॉन्ज आया, जब ये एक भी छेना बॉल हमारा टूटा नहीं है। अभी ये पानी में 5 मिनट रहने के बाद इस तरह से उसके दबाकर सारा पानी निकलना है, सारा पानी जब निकलेगा तब भी उसमें से रस जाएगा। अभी सारे निकाल दिए, अभी रस डाल दिया है और रस में हमने सारे छेना बॉल डाल दिए, ऊपर से थोड़ा सा आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दो, केसर के 2-4 धागे डाल दो क्योंकि उससे कलर भी आएगा और स्वाद भी आएगा, और इसको 2 घंटे तक ढक के रखो। उसके बाद देखिए कैसी मस्त रसमलाई तैयार हो गई ना, एकदम परफेक्ट होती है देखो, और दबाने के बाद उसका पूरा रस निकल आता है। तो इस तरह से आप रसमलाई ज़रूर करके देखिएगा, रेसिपी कैसे लिखी है आप ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।